Hello students, in the last video we have completed up to question number 4, okay, of exercise 3.2 of matrices. Now let us see question number 5. Okay, question number 5 mein kya bolta hai ki if a is equal to 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 and 2/3, ye mera us matrix hai kya 3/3 ki, okay, fraction mein hai. और बी मेरा मैट्रिक्स है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5. ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना, कंप्यूट 3a-5b. यहाँ पर 3 और 5 में क्या बता दूं, स्केलर्स हैं, ओके. तो पहले मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा जैसे स्केलर, 3a निकालूंगा ए की मदद से और 5b निकालूंगा 5 की मदद से और फिर 3a-5b कर दूंगा तो मेरे को 3a-5 की वैल्यू मिल जाएगी. देखिए किस तरीके से करते हैं, ओके. नाउ गिवन क्या है, हमको ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 की, ओके. तो मैं 3a निकालूंगा, तो यहाँ 3 और ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख ली है. 3 का इंटू इससे करूंगा तो 2/3 का ये 2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली 3 × 1 = 3 आ गया, 3 × 5/3 = 5 आ गया, 3 × 1/3 = 1 आ गया, 3 × 2/3 किया तो 2 आया. सिमिलरली 4 आया इसका, 7 × 6 = 2 यहाँ से हमको इस तरीके से मिल जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 2/3 क्या मिला मेरे को, 2 मिल गया. इस तरीके से 3a लिख मिल गया. अब मैं b की मदद से क्या निकालूंगा, 5b निकालूंगा, ओके. 5b निकाल तो 5 और ये मैंने b मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी, ओके. अब 5 का मल्टीप्लाई करूंगा हर एलिमेंट में, जैसे a का किया तो 5 × 2/5 = 2 आया, 5 × 3/5 = 3 आया, 5 × 1 = 5 आया, 5 × 1/5 = 1. सिमिलरली 2 इसका, 4, 7, 6 and 2 ये मेरे को मिल गया 5b, ओके. अब निकाल दे 3a-5b जो हमको निकालना था. मैंने ये 3a जो मैट्रिक्स मेरे फॉर्म हुई वो लिखी मैंने, प्लस इसलिए मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, ओके. तो 3a-5b है ना, तो क्या मैं इसको 3a-5b को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3a+-5b. ये प्रॉपर्टी में समझी थी हमने, ठीक है. तो मैं -5b का हर एलिमेंट को इस मैट्रिक्स के, 5b मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो मैंने यही किया है कि ये मैंने 3 लिखी, ये प्लस और हर एलिमेंट 5b के हर एलिमेंट को माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. तो माइनस प्लस माइनस, एडिशन करना थोड़ा ईजी होता है, ओके. नाउ सो 2 + −−2 हो जाएगा, क्या हुआ 0, 3 − 3 = 0, 5 − 5 = 0, 1 − 1 = 0, 2 − 2 = 0, 4 − 4 = 0, 7 − 7 = 0, 6 − 6 = 0, 2 − 2 = 0. तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को हर एलिमेंट जो इस मैट्रिक्स का एडिशन करने सब्सट्रैक्शन करने में 3a-5b निकाला तो मेरे को हर एलिमेंट 0 मिलता है, ओके. तो क्या है कि आंसर क्या हमारा, नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स है हमारी. अच्छा, वो किस ऑर्डर, 0 मैट्रिक्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चाहे वो 2/2 की मैट्रिक्स हो, 3/3 की मैट्रिक्स हो, हर एलिमेंट अगर 0 है तो वो क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ओके. नाउ तो 3a-5b हमारा यहाँ से निकल गया. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, सिंपलीफाई करना है. cos θ − sin θ − sin θ cos θ + sin θ − sin θ cos θ − cos θ sin θ. ये क्या दिया हमको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं, इनका नॉर्मल क्या करना, सिंपलीफाई मतलब एडिशन, बीच में, बीच में क्या साइन, एडिशन का. तो नॉर्मल एडिशन करना है, किस तरीके से करेंगे इसको देखते हैं, ओके. क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, ये हम गिवन है, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्या है कि स्केलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर cos थीटा एज अ स्केलर वर्क कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिर हम इसका हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा का, और यहाँ पर प्लस के साइड इस टर्म का sin थीटा से हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो क्वेश्चन क्या बनेगी, cos थीटा किस तरीके से किया, तो cos θ cos θ cos θ sin θ − sin θ cos θ and cos θ. सिमिलरली sin थीटा के अंदर क्या, तो sin θ × sin θ sin θ − cos θ ये आया हमारा, ओके. sin θ cos θ और sin²θ ये मेरे को मिल गया, ओके. अब मेरे को नॉर्म में एडिशन करना है, इस टर्म का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो cos²θ + sin²θ एक एलिमेंट मिल गया. सिमिलरली इसका इससे करूंगा मेरे को एक एलिमेंट मिल जाएगा, ओके. इसका इसके साथ करूं तो एक एलिमेंट मिलता है, इसका इसके साथ किया तो ये मेरे को मिल गया. अब मैं जानता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की cos²θ + sin²θ क्या होता है, 1 होता है, ओके. ये जो 1 है
यहाँ या ये प्लस माइनस मेरा कैंसल आउट हो गया, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा तो कॉस थीटा साइन थीटा कैंसल आउट हो गया, सिमिलरली यहाँ पर कैंसल आउट हो गया और कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा वन होता है। ओके तो क्या मिली मुझे 1001, तो ये क्या है 1001, ये हमारी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके तो देयरफॉर आंसर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके नाउ इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। ओके क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट थोड़े से लेंथी क्वेश्चन से ही है, इसलिए हमको फ्री होकर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। हमको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस वाई गिवन है, एक्स माइनस वाई गिवन है। तो फर्स्ट टाइम इन दोनों को हम 2 इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट और सेकंड, एडिशन करेंगे और सब्सट्रैक्शन करके अलग अलग वैल्यूज निकाल लेंगे। इसको हम डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट वीडियो में, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके आज के लिए इतना काफी है, स्टे होम स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी, थैंक यू।